भाई एक महीने से मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो। तेरे को खाने को दूँ? मैं खुद यहाँ सामान बेच रहा हूँ, इनकी भाई की दुकान है, पैसे जुगाड़ करवा दो यार, बहुत के भूख लगी है। चल शादी का खा लेगा। यार तुम अपनी मैयत का भी खिला दूंगा, मैं फिर भी खा लूंगा, बस तुम मुझे खिला दो। ले तो ले, मेरी शादी है अगले साल 14 तारीख को और 14वें महीने को 12वें महीने को 1 बजे आ जाइयो। अब इतने समय मत लूंगा, मेरे को नहीं दिखला बतावत, मैं जा रहा हूँ किसी और दुकान पे, वहाँ पे भीख मांग लूंगा इससे बढ़िया तो। अरे भाई सब क्या क्या है, क्या चाहिए बेटा खाने में? खाने में तो बहुत कुछ है, बता तुझे क्या चाहिए बेटा? सब बताओ तो सही क्या क्या है। चिकन कोरमा है, चिकन बिरयानी है, चिकन बटर चिकन है, वाइट कोफ्ता है, अचारी कोफ्ता है, कीमे का आलू कीमा है, क्या चाहिए अब? क्या क्या है तुम्हारे पास, बता रहे हो नहीं? और कितना बताऊं मेरे भाई, क्या बड़े के में खाएगा? बड़े की बिरयानी है, बड़े कोरमा है, बड़े की भेजा है, और क्या लेगा? बड़े के पाए है, और क्या बताओ? और अब गधे का मुंह तू, इतनी पूछ ली, बड़े का पूछ ले, मुर्गे का पूछ ले, पनीर का पूछ ले, कौन सा चाहिए? जा यार, मैं तो वैसे दिमाग मान में आ गया, तो तूने तो यार मुझे। मैं छोटू यहाँ हुआ। हाँ बताओ। यार कुछ पंखा वंखा लगवा यार, बहुत गर्मी लग रही है। अरे बना लो ऐसी, अब उतना अंदर काम कर रहे थे। छोटू भाई बहुत भूख लग रही है, जल्दी एक कोरमा रोटी लगा दो। अच्छा भाई रुक जाओ। छोटू जल्दी से ले एक रोटी लगा और कोरमा लगा, जल्दी से लगा, मैं और रोटी बना लूँ इतने। बनाओ। बना ही रहा हूँ यार। भाई कोरमे में तो मजा आ गया, मगर रोटी में नमक ज्यादा था। छोटू यहाँ हुआ, देख इसको भी पागल बना दिया। हाँ। इसको यूं लगा के नमक तेज है रोटी में, परोसे क्या बता, क्या उनने तो पसीने में डूबी भी रोटी खाई। पसीने पसीने वाली बहुत काम है भाई, कुछ खाने को देना। तेरे जैसे गरीबों को मैं दे तो बनाऊ, 5 रुपए की नमकीन खा लेगा। 5 रुपए की नमकीन? कुरेसी के कबाब से नीचे पहनने रखता हूँ मैं, कुरेसी के कबाब खिला रहा तो बता। मैं जाता क्यों ना यहाँ से, कुरेसी के कबाब खिलाऊं तुझे? इतने तो मेरी सैलरी ना है जितने को तू खा लेगा। मालिक कुछ कैश ही दे दो। यार कैश भी ना है मेरे पास। तो मालिक टेंशन काई को ले रहो, लो QR कोड डालो पेटीएम में पैसे। मैं जाता क्यों ना यहाँ से, QR कोड से ना करता हूँ मैं, आराम का खाने वाली आदत लग रही है तुझे ज्यादा। आज यार तेरा एडमिशन ही करवा दूं। अरे भाई फलाना कॉलेज कहाँ है? ये गली उस कॉलेज की ही है। छोटे भाई का एडमिशन करवाना हो जाएगा ना, नौकरी तो मिलती होगी। 100% नौकरी देता, ऐसी मत मानना इस कॉलेज को। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि 100% नौकरी देंगे? इस कॉलेज का गार्ड हूँ, 5,000 रुपए की नौकरी मिली है पूरे। पर मुझे ना करवाना अपने छोटे का एडमिशन, इसमें पूरे स्कूल का टॉपर रहा है। चल नौकरी ना करवानी, चल छोटे। अरे भाई साहब दो लड्डू दे देना। पैसे दे पहले। पैसे तो ना भाई साहब मेरे पे। पैसा ना आते है, भूखाना आया है। भाई साहब दो लड्डू दे दो। ले यार। ला यार ला, तू भी क्या याद रखे, मैं लड्डू ही खाऊं आज। अब ओए पैसे तो दे के जा। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? अब ओए छोटू जल्दी आ। तो भाई साहब छोटू वोटू को क्यों बुला रहे हो? यार इसी भाव में 2 किलो और करवा लेता हूँ भाई साहब, इसी भाव में 2 किलो और कर दो। अब छोटू है आजा जल्दी, हड्डी तोड़नी है इस बार तो। छोटू भी तैयार रहे मानने के लिए, तो आ भी गए। अरे भाई यार ये फोन अभी अभी डेड हुआ है, सही कर दो यार। बोलो चेक करना भाई, मोनू भाई कर लो ना, पता नहीं क्या हो गया, रुक जाओ भाई चेक कर रहा हूँ। भाई सब कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है? बे यार इसे मुंह में क्यों ले रहा है, बिल्कुल अभी अभी लैटरिंग में गिरा है। तू क्या है ये, हट आ गया यार, नाली का दे दिया मेरे मुंह में। यार चवो में नहीं लिया, नाली में मैं गिरा हुआ है। यार तू भी धोखे बाज निकला भाई। बस आज ये कोरमा रोटी लगवा दी जरा। अरे भाई लगा दे यार कोरमा रोटी, लगा दे बंदी की यार। लगा रहा हूँ यार कोरमा, लगा दे खैर रोटी लगा दे भाई। हां मतलब पानी दे दे, ये रोटी लाओ रोटी। अरे
हाँ बे बोल बे बोल इधर आ बोल बे बोल बेटा तू क्या सोच रहा है तेरे से मैं बर्तन धुलवाऊंगा तू आएगा और चुपचाप भागे चले जाएगा अबे मुझे भी बता तेरी मम्मी ने देर से पूरी रात प्रैक्टिस करवाई है बर्तन धोने की मुझे पकड़ कटोरा और बैठ भागू भागू ऐसा मैं कितना भीख मांगने वाली दिखाई दे रहा हूँ बर्तन धुलवा रहा हूँ तो धुलवा लो मैंने मांगा भीख नहीं खा रहा हूँ उसका वाले को आ जाएंगे बेटा तू जा आओ आओ कुत्ते वाले कुत्ता ले आओ सब कैसा दिया कुत्ता भाई साहब 1,00,000 रुपए का पूरा देख लो जिंदा सब सस्ता लगा लो कुछ 80,000 रुपए का लगा लो अरे भाई साहब तुम्हारे लिए चलो 90,000 लगा ही देते हैं भाई साहब 80,000 रुपए लो और रस्सी छोड़ो अरे भाई साहब 80,000 में रस्सी रस्सी जा रही है चलो लो भाई ले जाओ हल्की हल्की क्यों लग रही है भाई साहब कुत्ता कहाँ है अरे भाई साहब तुमने ही तो बोली थी 80,000 लो और रस्सी छोड़ दो मैंने छोड़ दी तो फेरा मेरा पागल बना दिया साले पे चलो यार पट्टा ही ले भाई अपने गोंडा में भी बैठ रहा हूँ भाई अबे सही बता मैं तो खुल गया पर बंदी से बहुत दूर मिलने जाता था तो यार 5 रुपए मिलने जाऊंगा जल्दी चल भाई चल चलो भाई यार जल्दी चलो यार चल चल देख बेटा ये रही अब ये मेट्रो यही तो मेट्रो है तुम्हारी गरीबों के लिए गरीब गरीब नहीं हो पर यार तूने दिल खुश कर दिया था कि सेटिंग से मिलने जाऊंगा दूर हाँ। अब मुझे नहीं जाना अपनी मेट्रो में जाऊंगा जब कोई ऐसे में डांस करता है प्रधान जी का लड़का आके यहाँ करता क्या है रोज देखता हूँ इसे यहाँ आके बैठ जाता है तो भाई क्या कर रहा है मैं यार सेटिंग कर रहा हूँ सेटिंग कर रहा है प्रधान जी को बता क्या आता हूँ सेटिंग कर रहा है प्रधान जी आपका लड़का वहाँ सेटिंग कर रहा है अरे हमारी आज तक सेटिंग नहीं हमारा लड़का सेटिंग कर रहा है अभी जाता हूँ हाँ बेटे यहाँ क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा सुनिए तू सेटिंग बाजी कर रहा है यहाँ पे बाबा तुमसे किसने कही तो वो पड़ोसी का लड़का बता रहा तू यहाँ पे सेटिंग बाजी कर रहा है आ गया ना है फोन की सेटिंग कर रहा था मैं चल कोई बात ना सेटिंग कर साले पड़ोसी होते ही पागल है चल कोई बात नहीं कर रहा हूं उस पे जाओ सॉरी ब्रो सॉरी नॉट अ प्रॉब्लम टक्कर कैसे मार रहा देख के नहीं चल सकता आंखें नहीं दी तेरे को ऊपर वाले ने हैं पागल है बिल्कुल ही अबे साले टक्कर खुद मार रहा और मेरे से कह रहा तेरे क्या बाप करोड़ है अद्दा उठाऊंगा भी बस तेरे हाथ है मेरे हाथ नहीं है मैं नहीं उठा सकता अद्दा ज्यादा बोल रहा है मैं यार एन भाई रो रोज की गुलामी कर करके तंग आ गया हूं मैं अपने मकान मालिक की आए मैं तो तुम ही पागल लोगो अबे तू एक इंसान है तुझे अपने तरीके से जीने का हक है जाके बता दे अपने मकान मालिक को अब बताऊ अपने मालिक को जाके आज राजा बता दे मालिक इसका पहले सुअरिया बना दूं मैं आज मुद्दा बनो ये हो गया मैंने बोला तुमसे मैं शर्म तो ना आयोगी मुझे पिटवाते हुए पागल मैंने ये बोला था इस महीने बिजली का बिल नहीं दे पाका ये बता दे मतलब हम ही ज्यादा जल्दी मार रहे थे कोई बात ना अस्सलाम वालेकुम अरे फहीम भाई यार कितनी गर्मी पड़ रही है धूप देखना एक बारी मरने की हालत हो रही है यार कुछ जुगाड़ करो अबे यान भाई क्या करे गर्मी तो हो रही है स्विमिंग पूल का इंतजाम कर लो यार यार स्विमिंग पूल का जुगाड़ करे ना लगा स्विमिंग पूल में बिल्कुल ना लेगा यान भाई बस तुम लेके चलो चलो भाई चलो यार ये देखिए नजर डालिए एक बारी आप नजर डालिए भाई ऐसी तो है ये कहानी आपके दिल को टच कर लेगी दोस्तों एक अंधा बेसहारा लड़का कंघे बेच रहा था और उसके सुबह से कोई बोनी नहीं हुई थी तभी इस लड़के ने सोचा क्यों ना मैं इसके सारे कंघे खरीद लूं और ये छोटा लड़का भी आ गया अरे भाई साहब ये कंघे कितने के दिए भाई साहब 500 रुपए के दिए हैं सुबह से एक भी नहीं बिका तो भाई साहब लो ये सारे का सारा पर्स रख लो इसमें ATM पिन वगैरह सब कुछ है मैं आपको और SMS कर दूंगा लो भाई साहब
भगवान आपका भला करे। फिर वो लड़का वहाँ से उठकर जाने लगता है। फिर एकदम से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अरे भाई साहब, मुझे तो लगा आप जाकर घर पर आराम करोगे, पर आप तो दोबारा कंघे बेच रहे हो। पागल हो रहा है, तुझे दिख रहा है यहाँ पे कितना कॉम्पिटिशन है? मैं दोबारा से कंघे बेच कर यहाँ पे दोबारा पैसे कमाऊंगा, जैसे अभी तेरा बकरा बनाया। अबे भाई मेरा पर्स वापस दे। नहीं अबे एक काम कर, यप कंघे और ले जा और 500 रुपए और दे जा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि दूसरों के फटे में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तुम्हें पता हमने अपना बाथरूम में 10 लाख का बनवाया, पता है? मैं भाई ऐसा क्या लगवा दिया तुमने अपने बाथरूम में? जो बाथरूम में होता है ना, सारी चीजें पीतलों की लगवाई है, यहाँ तक की टैल भी पीतलों की है। ये तो कुछ भी ना, हमने 20 लाख का बाथरूम बनवाया। अच्छा भाई तूने ऐसा क्या लगवा लिया? अरे चीज चांदी की है, और जो जिससे टट्टी धोते है लोटा वो भी चांदी का है, टप टूटी सब चांदी की है। भाई खर्चा करा है, खर्चा हमने करा 50 लाख रुपए का बाथरूम ही बाथरूम बना हमारा। जिससे बैठ के टट्टी कर रहे ना वो तक सोने की है, यू बिजरा सोना यू। यार ये बहुत देर से बहस करे जा रहे हैं, अब मैं बता के आता हूँ इन्हें मेरा बाथरूम कितने का है। अरे यार तुम बहुत देर से बहस करे जा रहे हो, तुम्हारे 50-50 लाख रुपए के बाथरूम है। अबे जिसमें मैं अगले जाता हूँ ना पूरे 50 करोड़ का है, 50 बीघे खेत है। खेत में अगले जा रहे हैं? 50 बीघे है, 50 करोड़ का है। चाचा 1 किलो मुर्गा कर देना। 1 किलो? अरे चाचा बॉडी साफ करना। तू टेंशन मत ले भाई, तुम्हें पता है मेरे दोस्त के साथ कल हादसा हो गया, खैराज की मशीन चलाता है उसका हाथ खच बोल गया एकदम। भाई चाचा क्या हो गया, अभी तो सही चल लेते, एकदम क्या हो गया? फिलहाल 1 किलो गोश्त कर दो तुम पहले। तीजे तेरे 1 किलो के गोश्त के चक्कर में मेरी दोबारा गदना हो गई। अरे चाचा कोई बात ना, गोश्त तो बाद में ले लूंगा, पहले तुम्हारी पट्टी करवा के आऊं। हाँ भाई जितने भी आईफोन है सारे निकाल जल्दी से। सारे तो भाड़ू पहले एक लेके देख, कभी एक भी ना लिया जाए। ले भाई ये हल्के मिले रहे हमें, दिखाना थोड़ा क्या है अपने पास, दिखाओ दिखाओ अपने पास क्या। उठाओ इसे, उठाओ इसे, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, दिखाओ। चलो और लाओ आईफोन, 1, 2, 3, 5 है ये पूरे। अच्छा मोनू भाई रुक तो जाओ, चल चल बेटे, हेरी तेरी प्याज प्याज आईफोन निकाल बहुत जल्दी करके। सुअर के जा पीने वाले, चले जा प्याजों में आईफोन आते होंगे इनमें, है साले नींबू के जमाने चल रहे नींबू के, ऐसी मान रहे हो? चलो भाग। अरे भाई 5 रुपए का 1 लड्डू दे देना भाई को। 1 लड्डू तो भाई सरफ के पानी में धोगे। भाई आफत हो रहा, भाई कौन सा बहाना बनाऊं यार। भाई क्या खा रहे हो? भाई तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, जहर खा रहा हूँ मैं। हैं जहर खा रहे हो? मेरे होते सरा तो तुम जहर नहीं खा सकते। अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगा? छोटू क्या भगा रहा है? क्या भगाता उस्ताद में, गिराओ कायनर है, मक्खियां भी नहीं आ रही हैं। अरे भाई एक डब्बा कलाकंद दे दो। कलाकंद है क्या उस्ताद? यार कलाकंद तो खत्म हो गई यार। भाई साहब कलाकंद खत्म हो गई है, तुम लड्डू ले जाइए। चलो कोई बात नहीं, वैसे एक डब्बा काजू कतली भी दे दो। अरे उस्ताद मुझे लग रहा काजू कतली भी खत्म हो रही है। अरे रसमलाई के पास हमारे पास और मिल्क केक है हमारे पास। भाई मिल्क केक ले जाओ तुम, क्या फर्क पड़ता है काजू कतली और मिल्क केक की? ये लो। यार ओए पैसे तो दे के जा पैसे। अरे सॉरी सॉरी भूल गया था पैसे देने। ये लो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया, सलमान खान का नोट पर नकली नोट दे गया। भाई साहब असली हो या नकली क्या फर्क पड़ता है, तो नोट। अरे यार क्या तो सही रहा, जैसा मैंने उसको मिठाई दिया थी वो सारा नोट देगा। अरे यार बहुत दिन हो गए इस बिल्डिंग को पड़े पड़े, ना कोई किराएदार आ रहा ना इसमें रहने का मन कर रहा, इसकी बोली लगवाते हैं आज। 10 लाख 10 लाख 1 10 लाख 2 रुको 20 लाख 20 लाख 1 अरे रुको 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 1 सिलेंडर ए मालिक।
अरे मालिक मालिक चेला बना लो अपना आपके लिए तो मास्टर कर दो पहले अरे मालिक एक सिलेंडर में तो दो बिल्डिंग आएगी भाई डन है डन है। तो यार गाय तो अच्छी लग रही है भाई साहब इसके रेट बताना। ये जो गाय है ना भाई साहब ये गाय बहुत बढ़िया तो मैं बता दूं मैं ये भाई साहब गाय रोज तुम्हें 4 लीटर दूध लेगी इसे समझ 4 लाख की कर दी है। अबे भाई साहब इतनी महंगी अबे भाई दूसरी दिखाओ इतनी महंगी नहीं चाहिए महंगी है चलो तो फिर चलो आओ आओ जल्दी आओ भाई साहब ये गाय है 3.5 लाख रुपए की। ना यार भाई साहब ये भी बहुत महंगी है यार भाई साहब ये भी महंगी है तो देख रही हो काली वाली वो 2.5 लाख रुपए की है वो बताओ कैसी लगी। तो भाई साहब यार ये भी महंगी है क्या कर रहे हो। अच्छा तो भाई साहब अपना बजट बताओ तुम। मेरा बजट तो 5000 का है। 5000 में तुम्हें ऐसी जीत दिखाता हूँ ना तुम चलो मेरे साथ बस आओ आओ जल्दी लो भाई साहब 5000 रुपए में निकल के आया उभरता हुआ। तो 5000 में कुत्ता दिलवा रहे पागल वागल हो क्या। ओफो 5000 में तो ये हाथी दिला दूं बहुत अच्छा है ना तू। ये सुबह से रो जा रहा है ये अब भी रो रहा है बहन भाई क्या बात हो गई लो पहले से खाओ तुमने ना खाया ना पिया कुछ लो से खाओ पहले। भाई मैं नहीं खा रहा भाई जा। अगर एन भाई तुम नहीं खाओगे तो कुछ मैं भी नहीं खाऊंगा जाओ खा जा भाई जा। अरे यार मैं तो भूखा सा ही सुबह से उस बेचारे ने भी कुछ नहीं खाया होगा उसको जाके कह देता हूँ। भाई आईफोन दिखा दे तो तमीज में बोला और ये देख ले आईफोन है हमारे पास ये तुम्हें मिल जाएगा 5000 का ये 6000 का ये 7000 का और ये वाला जो है ये 80000 रुपए का है। अब चाहिए कौन सा ये बता। इतना महंगा भाई साहब इसमें ऐसा क्या है एप्पल तो इसके पीछे भी है इसके पीछे भी है ये 80000 का क्यों है। तू मार्केट जाता होगा सेब लेने के लिए वहाँ पे भी तू ऐसी करता होगा क्या है 60 और 80 वाले में फर्क तो देखता होगा ना कौन सा सेब अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है ये तो देखता होगा ना। अरे मोनू भाई यार कह तो सही रहे हो तुम ये बेकार है और ये अच्छा है क्लियरिटी तो इसमें अच्छी आती होगी वैसे मेरे को नहीं चाहिए आईफोन तो वैसे ही आ गया तो मैं तो जा रहा हूँ। चले जाए यहाँ से मुझे पता है तू टाइम पास करने के लिए आया था यहाँ पे नहीं आया था लेने के लिए फोन वोन मूड खराब कर गया। अरे कौन सा घर है जी भैया तू नहीं कराता ये ऑर्डर। जी भाई ये मैं नहीं कराता पर पैसे तो अभी मैंने बैंक भिजवा दिए आप एक काम करना है तो शाम को आ जाना या तो कल आ जाना। काले गरीब तेरे से गलती से हो गया ना ऑर्डर तेरी औकात ही नहीं है फोन को लेने की। अरे मालिक यहीं खड़े हो मालिक आज बैंक बनती है लो पैसे। अरे फहीम ये पैसे मुझे मत दे इसमें से 50000 इसको दे दे और बाकी पैसे अंदर रख दे। अच्छा मालिक 50000 और भाई तू सुन किसी के ना कपड़े देख के उसके औकात का अंदाज नहीं लगाना चाहिए इंसान के दिल से पता चलता है उसके औकात का। आज से किसी के कपड़े देख के उसके औकात का अंदाज नहीं लगाऊंगा सॉरी सर आपका फोन आज मुझे माफ कर दो आज के बाद में कभी ऐसा नहीं करूंगा थैंक यू। ध्यान भाई क्या कर रहे हो। कुछ नहीं भाई जैसे हमारे देश के लिए नीरज चोपड़ा मेडल लेकर आया था ना मैं भी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भाई सर पैक के तो दिखाओ एक बारी। नीरज चोपड़ा पर बन जाऊंगा उसके पिछवाड़े में बाहर तूने नीरज चोपड़े अल्लाह नीरज चोपड़े के तो बताना इसको प्रेम चोपड़ा जरूर बना दिया। भाई साहब कुछ ना आंधी आ गई थी थोड़ी सी कुछ नहीं भाई साहब बारिश आ गई। भाई साहब जब आंधी आ रही है और बारिश भी हो रही है तो कीचड़ तो होनी है। अरे अदीप भाई ये पूरी गली अपनी है कोई दिक्कत हो बता देना
अरे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बेग नहीं है गली को। हाँ बेग दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और एक बंदा आ रहा था बात करने के लिए, हाथ ही हो, अरे आ भी गया। अरे 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 सर जी नमस्ते। अरे घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ, अपने ही लोग समझो। अच्छा अभी आप कैसा आए हो? अरे सर जी मैं तो अपनी एल्टो से आया था। एल्टो? एल्टो से हमारे नौकर सब्जी लाते हैं बाजार से। अच्छा आपकी ड्रीम कार क्या है वैसे? जी मेरी ड्रीम कार तो BMW है। BMW रोल्स प्लस रॉयल रॉयल दिलाऊंगा तुम्हें मैं। चलो ठीक है, आपको कल सुबह 9 बजे आना है। आइए सर, आपको मैं अपनी एल्टो में छोड़ दूँ। अरे सर जाने तो अपनी मस्टैंग से चले जाएंगे। सर जी मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। चलो ठीक है, सर अपनी मस्टैंग निकाल लें। नीचे बैठ जा बालक। बेटा मैं तेरे को बहुत बेहतरीन शक्ति दूंगा, आज तू बैठे बैठे पूरी दुनिया में देख सकता है क्या हो रहा है। अरे ऑलराउंडर बाबा दे दो मुझे भी दे दो ऐसी शक्ति। अस्ती का बस्ती करो आगे ले भाई। कुछ महसूस तो ना रहा, पर चलो देखते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा। पूरे बाबा यू क्या देख लिया? चलो इसे छोड़ो, अपने भारत में देखते हैं क्या हो रहा। अरे बाबा तुम देखो क्या हो रहा है। अल्लाह पुत्र मुझे भी दिखा। अंकल ये ले लोगे क्या? हाँ बेटे ले लेंगे, बता कितने का है। अंकल ये दोनों 100-100 रुपए के डब्बे हैं। अबे 200-200 वाले डब्बे 100-100 रुपए में ले ले लेता हूँ। हाँ बेटे दे दो जाओ। लो अंकल। अरे अरे बेटा मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ अंकल पूछो। लो बेटा अपने पैसे। वैसे बेटा तुम ये डब्बे लाए कहाँ से हो? अंकल हम बता तो देंगे मगर बताने के भी 100 रुपए लेते हैं। चलो यार मेरे फायदा। लो बेटा। अंकल वीडियो को फ्लैशबैक करके देख लो। मैं यार क्या काम करूं माँ बाप ने जिंदगी खराब कर दी। अरे मेरे बचपन की कोई थी यार रेहान और फहीम। यार रेहान फहीम भाई यार मुझे कोई काम बता दो। अरे रेहान भाई तुम करो मोबाइल की दुकान, अंधी कमाई है अंधी कमाई। अबे फहीम भाई तुम बताओ, ये तो ऐसे ही बोलता रहता अंधी कमाई है मोबाइल की दुकान में। भाई रेहान भाई सही बोल रहा, अंधी कमाई है फोन की दुकान में। अबे भाई हमने अंधी नहीं अंधी कमाई बोली थी। अरे भाई साहब जरा 5 रुपए की नमकीन कर दो। 5 रुपए की भाईजान? लो भाईजान। लो भाईजान। तो भाई साहब नमकीन तो बड़ी स्वाद लग रही है, क्या मिलाया आज में तुमने? बा कुछ नहीं भाई साहब, बगल खुजा के दी थी मैंने तुम्हें नमकीन तो। पागल बिल्कुल ही। चल तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कासा कबूतर। ठीक है सर जी। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कासे काले लंगूर। कौन है दोबारा बोलो? कासे खद्दू। अबे कौन है हमारी क्लास का सबसे नालायक बच्चा? खड़ा हो जाओ। क्यों बे तू हमारी क्लास का सबसे नालायक बच्चा? नहीं तो सर जी। खड़ा क्यों हुआ था फिर? अरे सर जी आप अकेले खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए मैं खड़ा हो गया। हमारी क्लास भाग जाओ। हीरो तेरा स्टाइल तो बड़ा डांसू है रे। ओ बहन लगता है तुझे राखी बांधनी पड़ेगी। टेंशन न ले तेरे से राखी नहीं बनवाऊंगी, नाम है भग्गो परवीन। दिल तो अच्छा है हथियार से चलाता भी अच्छा हूँ।
और चला ले अच्छा बड़ा पिसाब चला रही तू अच्छा। अरे भाई साहब जरा 2 रुपए का एक अंडा दे देना। पागल है क्या, 2 रुपए का खाली छिलका छिलका आता, उसके अंदर का जो है ना 5 रुपए का, पूरा 7 रुपए का अंडा है। 2 रुपए का सिर्फ छिलका छिलका है। ओ आइडिया, उसको साले को 5 रुपए दूंगा और छिलका उसको दे दूंगा और अंदर का माल मैं ले लूंगा। चलो अरे भाई साहब जरा 5 रुपए का अंडा दे देना। ये तो बता था 7 रुपए का अंडा भाई। अरे भाई साहब हम करके दिखाएंगे तुम्हें 5 रुपए का अंडा, लाओ इधर को दिखाओ। ये ले भाई, चलो भाई अंडा मैंने ले लिया, छिलका तू ले ले। भाई यार क्या तो सही रहा, चल ले जा, हम भी ऐसे करेंगे यार अब। ये 5 रुपए में अंडा ले लिया, 5 रुपए में अंडा ले लिया। बेटा दिन में तारे दिखा दूंगा तुझे, ज्यादा फालतू मत बोल। ऐसे दिखा देगा तारे, फालतू मत बोल बेटे। बेटा दिखा दूंगा दिन में तारे तुझे। बेटा तारे तो तू बाद में दिखाइयो, अपने पहले भाई को बुला के ले गया हूं, तब दिखाइयो तू। अबे कैसे दिखा देगा तू दिन में तारे, छोटा भाई ही अपना, दिखाइयो तारे दिखाइयो। अभी दिखाता हूँ तुझे दिन में तारे, बड़े भाई को बुला के ज्यादा प्रधान बनता है। अभी रुक जा, लीजिए भाई साहब 1 से 1 ब्रांड के तारे हैं, नए नए पुराने पुराने सारे हैं। अबे ये तो ये वाला तार दिखाने की बातें कर रहा था, तू लड़ाई पे ले गया है, इतना शरीफ आदमी, इतना अच्छा आदमी है, चल तुझे मैं घर पे बुलाता हूँ। मैं उस्ताद तुम्हारे होटल चलाने की स्कीम बताऊं? हाँ यार बता बता। देखो उस्ताद जो 5 प्लेट कोरमा रोटी खा जाएगा ना उसके लिए स्प्लेंडर गिफ्ट रख दो। चले कह दो सही राय, यही निकालू। वो उस्ताद ये अफवाह सही है क्या, 5 प्लेट कोरमा रोटी खाने पर स्प्लेंडर गिफ्ट मिल गई है? हाँ बेटे तूने बिल्कुल सही सुना है। तो उस्ताद लगवाओ। अरे बैठ तो बेटा बैठ, मैं अभी लगाता हूँ। चलो यार 4 दिखा दी, एक रह गई, एक और खा लेता हूँ लास्ट का टुकड़ा। स्प्लेंडर बस साले, प्लेटें खाने का चैलेंज है, प्लेटें तो खाई नहीं, कोरमा कोरमा खा गया। क्यों शुरुआत तो पी लू। बाबा बाबा ये अपनी बीबी से बहुत परेशान है, हल निकाल दो एक। अच्छा बेटा हाथ दिखा, मैं तेरा पूरा फंक्शन पढ़ चुका हूँ। तू अपनी बीवी से बहुत परेशान है, तेरी बीवी तुझसे सारा काम कराती है, घर का झाड़ू पोछा सब तू ही करता है, और मोहल्ले वाले तुझे जोरू का गुलाम कहते हैं। बाबा, बाबा तुझे हो। तेरी समस्या का हल निकल गया, ला मेरी फीस दे। आ जानू का मुंह, तुझे झाड़ू लेने के लिए भेजा था, कहाँ है तू, बर्तन गिरा दो अभी तक। आ रहा हूँ 5 मिनट 5 मिनट। ए बाबा पहले अपनी बीवी का तल निकाल ले, दूसरों की बीवी का बाद में निकालना। चलो चल। दरअसल एक मसला हो गया, मेरी स्कूटी खराब है। ओहो एन भाई ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। तो फहीम भाई पहले एक काम करते हैं, पहले आपकी स्कूटी ठीक कराते हैं फिर मस्जिद चलते हैं। वो अरे मैं एन भाई बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े। अरे भाई अरे जनाब अरे अरे गिर जाऊंगा यार मैं। अरे बिस्मिल्लाह। अबे ये तो वही लड़का है जिससे मेरी उस दिन लड़ाई हुई थी। आज अब रुक जा, मेरे पास एक आइडिया है, तू ना अपने फोन से वीडियो बना और इसकी वीडियो हम पुलिस स्टेशन भेज देंगे, जब ये मुझे मारेगा ठीक है ना। चल अबे कैसे बात बोल रहा था दिन। हमें पता कैसी बनी वीडियो। अब तेरे भाई ने एक नंबर वीडियो बनाई है देख। भाई फोन से चौफ लड़ाई लड़ाई में भूल गया बनानी। हराम खानी की भाई दोग कितना बिठवा दिया। यार प्रॉपर्टी डीलर का घर कौन सा है? अरे भाई साहब भाई प्रॉपर्टी डीलर का घर कौन सा है? नहीं हो रहा ये भाई साहब। अरे भाई साहब एक बार प्लॉट दिखवा दो। चलो भाई यार प्लॉट दिखाऊं मैं तुम्हें। ये वाला है, ये वाला पसंद नहीं आया भाई। ये वाला, ये भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं है। तो पहले अपना बजट बता दे एक बारी। अरे भाई मेरा बजट ढूंढना है, कल ही मेरी लॉटरी लगी है, बता कितने की।
2700 रुपए की। मुझे ऐसा ही तो कस्टमर चाहिए था। देखो भाई साहब, ना घर नीचे रहने की तुम्हारी व्यवस्था है, ऊपर कुत्ता रखवाली करेगा। अरे भाई साहब, मुझे ना चाहिए था भाई। अरे भाई साहब, मुझे तुम्हारी दुकान की सबसे तीखी चीज खिलाओ आज। ले हमारी दुकान की सबसे तीखी नमकीन। ले तो मैं बस गुल्ले खाऊं, इतने मीठे तो मैं और कितना तीखा खिलाऊं उसे। ले हमारी दुकान की इससे ज्यादा तीखी चीज ना तो कुछ होगी ना होगा। ले पकड़ जल्दी। रसमलाई भी ना लगी, अब लगेगी। कितने साल से बना रहा यूट्यूब पर वीडियो? तू 3 साल से। कितने सब्सक्राइबर हैं तेरे? 150 सब्सक्राइबर है मेरे। अब 3 महीने से वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, 16 मिलियन सब्सक्राइबर है, और पिछले महीने यूट्यूब वालों ने 5 करोड़ का अपलोड दिलाया था। अब लगी मिर्ची? बहुत मिर्ची लग रही है, आगे पीछे से भी धुआं निकल रहा है मेरे तो। मैं तो जा रहा हूँ यार। हाँ हाँ यार उमर भाई, सिगरेट खुलवाओ। यार मैं सिगरेट तो खुलवा दूँ तुझे। ये मेरे पापा के दोस्त की दुकान है, उन्होंने मेरे पापा से कह दिया था मैं बहुत पीटूंगा, तो ये मालूम है। कल ही तो पिटाऊ मैं कितना सिगरेट के चक्कर में। ठीक है भाई, मेरे पास एक आइडिया है, बताओ। तुम यही रुको, मैं आता हूँ। अरे भाई साहब, तुम मेरे बाप को जानता है क्या? अरे नहीं भाई जान, मेरे को जानता है। अरे नहीं तो भाई साहब, हुआ क्या? अरे भाई साहब, हुआ कुछ नहीं, तुम एक सिगरेट दे दो। मैं भाई साहब तुम्हें सिगरेट ही लेनी थी तो पहले बता देते, अब बताऊंगा तेरे बाप को। तू कल वो भाई साहब को लौटना है ना, अभी रुक। अरे नहीं भाई साहब, नहीं घर में मत जाना बिल्कुल। तो हे गाइस, तो आज जो आ रहे हमारे क्लाइंट आ रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान से हमारे पास आ रहे हैं टैटू बनवाने के लिए, जो कि हमारी शॉप पे आएंगे, वो भी दिल्ली में हमारी शॉप है। और सर आ रहे पाकिस्तान से टैटू बनवाने के लिए, वो भी चिड़िया का। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि भाई हमारी शॉप पे आ रहे टैटू बनवाने के लिए। टैटू को बनाते हुए ना सर को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन सर की फेवरेट टैटू थी ये बर्ड्स वाली, जो कि सर अपने हाथों पे टैटू बनवा रहे, वो भी चिड़िया वाली। भाई के टैटू पे माने जा रहे श्री सिंह। भाई साहब चिड़िया कहाँ गई? चिड़िया, चिड़िया भाई साहब उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। यार बहुत दिनों से यार बिरयानी खाने का मन कर रहा है, वो उसकी दुकान भी सामने है। चलो देखता हूँ भैया कुछ हो जाए। अरे भाई साहब गोश्त कैसा चल रहा है? भाई साहब मुर्गा 200 रुपए किलो। चलो तो भाई आधा किलो कर दो। आधा किलो करना भाई? लो भाई आधा किलो हो गया आपको। ठीक है भाई, शुक्रिया। पैसे देख लिया मुर्गे के? भाई कितने हो गए? 150 रुपए हो गए भाई। भाई 150 रुपए? 150 रुपए तो नहीं है मेरे पास। एक काम करो, जो मेरा कार्ड किस्ते बना दो। पागल हो गए भाई, किस्ते बनती है मुर्गे में? है पैसे देके जाओ भाई। ये स्टोरी आपके दिल को टच कर लेगी दोस्तों। एक गरीब बच्चा अपने बाप से कहता है, पापा पापा आज मिठाई खिलाओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए मिलना, अगर तुमने नहीं खिलाई ना आज मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा। उस अमरो शक्ल वाले लड़के की बात को सुनकर बाप परेशान हो जाता है और सोचता है मिठाई को जुगाड़ कैसे करूं। और तभी ऊपर से मकान मालिक का लड़का उन दोनों बाप बेटों की बातें सुन लेता है और कहता है इन पेन के पोलों की मदद मैं करूंगा। मालिक मुझे तनख्वाह दे दोगे 1 महीने पहले से, बहुत जरूरत है मुझे। ओए धनगोरे मेरे की बेचल आ जाता है उठा के। उस अखरोट के छिलके वाले मालिक की बात सुनकर बाप की बवासीर जैसी शक्ल हो जाती है। फिर मकान मालिक का लड़का आकर उस गरीब बाप से कहता है, अरे भाई साहब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, और लो मैं आपके लिए चमड़े की बेल्ट लेकर आया हूँ, अगर अगली बार आपका बेटा मिठाई मांगे तो उसको ये बैट से मारना। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि फैंस ऑफ फन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है बहुत न्यूज़ में, जैसे कि यहाँ पे कल एक रेस हुई थी और देख सकते हैं हमें पट्टी बिछी हुई है, और देखिए किसी भाग रहा है। अरे भाई भाई इधर आओ, इधर आओ। हाँ भाई साहब टट्टी लग रही बहुत तेज। हाँ भाई बोलो। मुझे एक सवाल करना है, यहाँ से कल रेस हुई थी उसके विनर तुम ही हो, इतनी तेज भागते हुए जा रहे हो ना। तो भाई साहब मैंने तो ना देखी कोई भी रेस हुई थी यहाँ पे। अरे नहीं नहीं भाई साहब तुम झूठ बोल रहे हो, कल के विनर तुम ही हो इस रेस के। अरे भाई साहब वो बात नहीं है, कल की रेस का विनर मैं नहीं था, मैं इतनी तेज ऐसे भाग रहा था, मुझे टट्टी लग रही थी इसलिए भाग रहा था इतनी तेज। भाई साहब भाग तो इतनी तेज रहे हो जैसे कि वर्ल्ड कप तुम ही लेके जाओगे, भाग गए ऐसे टट्टी मैन। अरे एक्सक्यूज मी, जरा ये प्लास्टिक सर्जरी यही होती है क्या? जी बिल्कुल यहाँ पे ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्जरी आपकी करनी है क्या? वो बैठो जी, मेरी ही करनी है, आप कर दीजिए। आइए बैठिए, ये देखिए हो गई पहली सर्जरी। अच्छा भाई सब हो गई?
चलो देख लेता हूँ। अबे ये कैसी शक्ल बना के दिए, मेरे को नहीं पता, मुझे पहले जैसी शक्ल बना के दे मेरी। जी बिल्कुल भाई साहब, हम दोबारा कर देंगे आपकी। लीजिए भाई साहब, आप देखिए अपने कैमरे में हो गया। अच्छा भाई साहब हो गई, पहले से भी अच्छी बना दी होगी आपकी बार तो। ये क्या बना दिया, घोड़े जैसी शक्ल दिख रही है किधर को मेरी, पागल वागल है थोड़ा बहुत। पठान कौन है साला, लोने झड़गाओ पठान। आओगे ओए, पठान मैं ही हूँ, बता जल्दी क्या काम है तेरे को। अच्छिया तू ही है, ले तो साले लोने झड़गा। लग रहा यार मर गया। ओ जिंदा है साले, लोने छेड़ के डायलॉग मार दिया। गाइस अगर हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये देखो। अरे भाई भाई, मैंने तो तुम्हें वीडियो बनाने के लिए पैसे दिए थे यार। अच्छा सही बना करना था क्या? ना यार सच में तोड़ दी। चल तो चल घर, चल चल भाई चल। भाई साहब मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं बताया तो। साले ज्यादा आराम कर रहा, चल बे चल अपने घर। कोई बात नहीं साहब, अब बताऊंगा साले तुझे। भैया कुछ खाने के लिए दे दो। मैडम तुम्हारे लिए तो कमारे, जल्दी बताओ क्या ऑर्डर करना जल्दी। ठीक है जानू, जो बोलूंगी वही ऑर्डर करोगे? ले तो ले, कढ़ाई चिकन कर दे ऑर्डर, और कबाब वबाब जो भी करना वो कर दे भाड़ू। भाई साहब पहली बार तो दुकान पर लौंडी आई थी भाई, दिल में फीलिंग छूट गई थी तो भाड़ू की आगे चले आप, तुझे घू खिलाऊ अपना। चल 50 रुपए दूंगा उस लड़के का, हाथ लगा के दिखा दे तू। देगा ना 50 रुपए? अभी देगा, जा। और भाई क्या हाल है, फैसम फन को जानते हो? अरे बताओ तो सही, क्या हो गया भाई? अरे फैसम फन को जानते हो? जानता हूँ मार चुराए। तू बता तो यार कैसी बात है। चलो कोई बात नहीं यार, नहीं जानते तो भाई मार गाँव से ला 50 रुपए दे। यार ये सब ऐसे मारने के लिए नहीं बोला था मैंने, सही से मार गा, कम से कम 3-4 घुसन। तूने हाथ लगाने की बात करी थी, 50 रुपए दे मेरे भाई जल्दी दे। चल पागल भाई, मुझे नहीं पता मेरे 50 रुपए दे। चल तेरे में पड़ेंगे, तेरे में पड़ेंगे मेरे घुसन। हाथ लेगा हट, और क्या, अंदर चल फिर, अंदर चल, अंदर चल। बेबी calm down calm down, yo this your body it puts in my tell me no 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 wo 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 दाल ले लो, दाल फ्री में दाल मिल रही है क्या? हाँ भाई बिल्कुल फ्री में दाल मिल रही है, बताओ कितनी देनी है? हाँ भाई साहब 1 किलो कर दो। लो भाई अभी कर देता हूँ 1 किलो दाल तुम्हारी। लो भाई 1 किलो दाल तुम्हारी। अरे भाई साहब इसमें क्यों करके दे रहे हो, पिन्नी में करके दो ना। अच्छा भाई साहब पिन्नी में करनी है, अभी कर दूंगा। ले लो भाई साहब तुम्हारी दाल। तो भाई पैसे तो लेके जा, हराम की पिन्नी लेके मेरी कहाँ जा रहा है? तो भाई साहब फ्री में है दाल तो। अबे चूरन फ्री में दाल है, पिन्नी नहीं, पिन्नी के 100 रुपए निकाल। चल लो भाई लो, चूना लगा दिया तू भाई, खेल गया यार। अरे भाई साहब किसको ढूंढ रहे हो? भाई साहब तुम्हें तो ढूंढ रहा हूँ इतने टाइम से मैं, कहाँ हो तुम भाई? तुम्हारे नाम पे बहुत ज्यादा उधार हो रहा है, कभी कोई आता कभी कोई आता, कोई 10 किलो चीनी लेके जाता कभी कोई 10 किलो आटा लेके जा रहा, कब दोगे मेरे पैसे भाई? भाई साहब ऊपर वाले के नाम पे 10 किलो आटा दे दो। तुम्हारे सामने आके देखो तुम्हारे नाम पे दोबारा उधार मांगने। अबे भाई वो मेरे नाम पे नहीं, ऊपर वाले के नाम पे मांग रहा है। तो भाई ऊपर तो तुम रहता हो, मैं रहता हूँ। ₹40,000 की नौकरी करूँ कैसे चुकाऊंगा? यहाँ वही यहाँ हुआ, क्या हो गया भाई साहब? एक बात पूछनी थी आपसे, कौन सा मॉडल है आपका? डीजल हो पेट्रोल हो, और टायर कौन से? लोल्स लगवा रखे ना लगवा रखे, और है नया गाड़ी में? भाई साहब हुआ क्या? क्या हुआ? अबे ये जो तू यहाँ पे गाड़ी की तरह खड़ा बीच में, इतनी देर से पीपी दिए जा रहा हूँ क्यों सुनाई नहीं दे रही? अबे जाके साले फुटपाथ पे चल जा, यहीं बता दूंगा तुझे। क्या हुआ भाई साहब? आ जाओ भाई। जी भाई साहब। और बताओ शिवम भाई क्या हाल है तुम्हारे? हाल तो बढ़िया भाई, तुम बताओ? हमारे भी भाई ऐसे से ही हैं यार, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाना लगवाओ। भूख लग गई है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, रुको भाई अभी लगवाता हूँ। लो भाई। भाई साहब इससे पेट नहीं भर रहा है और मुंह कड़वा कड़वा हो गया। भाई साहब ये भूख मिटाने के लिए थोड़ी ना है, जो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं उनको मारने की दवाई है ये।
चूहे मारने की दवाई खिला दी मुझे, चूहा दिखा तुझे मैं। अबे पेट के अंदर मतलब की भूख लग रही है, उसका मतलब चूहे दौड़ रहे हैं। अबे पागल है बिल्कुल। और भाई साहब कैसे ठंड पड़वा रहे हो? मतलब मैं ठंड पड़वा रहा हूँ मैं? अबे मैंने क्या आइसक्रीम खा के आसमान में मूंद दिया था? बर्फ के गोले हग रहा हूँ मैं या फिर अपना फ्रिज खुला छोड़ के आ गया मैं? भाई ठंड पड़वाते तुम्हारे जैसे लोग जो साले एक एक महीने तक ना नहाएंगे फिर कहेंगे मेरी बंदी नहीं है। और बंदी कहाँ से होगी तुम्हारी? सालो महीने महीने तक नहाओगे ना तुम्हारे शरीर में से ऐसा आएगी काले दस्त की बदबू। चल यहाँ से। और भाई साहब कैसे ठंड पड़वा रहे हो? पागल आगल हो क्या? गाड़ी देख के नहीं चले जाती? अभी फोन कर दिया ना पुलिस को, अपनी मम्मी के गोद में मिलोगे। मैं गाड़ी मैं? अरे माता जी मैं तो अपने रास्ते पे चल रहा था, तुमने आके मेरे में गाड़ी ठोकी अपनी। भाई साहब मुर्गे के पार्ट मिल जाएंगे क्या? पार्ट वार्ट नहीं मिलते भाई, एक दो किलो लेना होगा बताओ। भाई इसका पैर मिल जाएगा? हाँ भाई मिल जाएगा, 5 रुपए का पैर है इसका। भाई लगा भी दोगे क्या? लगा भी दोगे? इसका मतलब क्या है भाई तुम्हारा? भाई लगाने का मतलब ये है मेरे मुर्गे का एक पैर नहीं है, लगा दो इसका पैर। लेके भाई हॉस्पिटल लेके जा, यहाँ पर धोने में लगता है इसका। यार भूख लग रही है, फहीम भाई के घर पे चल के देखता हूँ क्या बना उनके घर पे। ओ फहीम भाई खाने में क्या बना है? भाई हमारे घर पे आज खाना बना है आलू अंडे। चलो कोई बात नहीं भाई, इसके घर जाऊँ तासु के घर जाके देखता हूँ। तासु भाई खाने में क्या बना है आज? भाई आलू अंडे का कोरमा बना है। आलू अंडे का कोरमा? चलो तो भाई कोई बात नहीं, साला हर जगह आलू अंडे आलू अंडे। चाचा के पास जाके पूछता हूँ, वहाँ तो कुछ अच्छा ही बना होगा जरूर। अरे चाचा आज खाने में क्या बना है? अरे भतीजे अयान आज अंडे आलू की बहुत ही बेहतरीन वाली बिरयानी बनी है, आ गए जाइयो। चाचा मुझे माफ करो, पिछले 3 घरों से और 3 दिनों से आलू अंडे खाते हुए आ रहा हूँ, मुझे और आलू अंडे ना खाने, मैं जा रहा हूँ। अंडा आलू अंडा आलू अंडा आलू बाबू हो गए हैं। भाई साहब 18 रेडबुल 3 मंच दे दो। अच्छा 18 रेडबुल और 3 मंच, ला पैसे दे मुझे। अरे भाई साहब पैसों की दिक्कत मत करो, वो मैं दूंगा भी नहीं। क्यों? हाँ साले हराम का बट रहा है यहाँ, हराम की खाने आया चले जाए साले, बहुत मारूंगा वरना। अरे भाई साहब एक पिल्ली निकाल देना। चल बेल पिन्नी विन्नी ना, 1 रुपए की पिन्नी आती है, हराम की बट रही 1 रुपए की पिन्नी। चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा ही फायदा है, गोंडा चौक को भंडारा हो रहा है। भंडारा हो रहा है पागलों का घर? अंदर जाके देख दो। देखो यार कितनी गर्मी है। हाँ यार कितनी ठंड है। नहीं यार गर्मी है। ओम्फो, लगता है मार्केट में हमसे बड़े पागल लगा है। अच्छा बेटे अभी बता दो। भैया तुम ये सबसे बड़े पागल, पहली बात पे दो पागल होकर यही, मैं तो जा रहा हूँ मेरा सर ना फोड़ दो। कैसे आग वाग जला रखी है? हाँ भाई ठंड पड़ रही है यार, तुझे नहीं दिख रहा क्या ठंड पड़ रही है? आज से ले आजा बैठ जा। आजो भाई आजो। ठंड? अबे हो गई ठंड है? क्यों भाई तुझे में बड़ी गर्मी आ रखी है, तुझे ठंड ना लगती? सारी दिल्ली बावली भी बड़ी है ठंड से, तुझे ठंड नहीं लग रही? ठंड? अरे मेरे यार ठंड की बात कर रहे हो, दिल में जो आ गया उसका क्या? फुकावा आशिक हूँ फुकावा। अरे फजर के जिन्नात फुकावा आशिक बता रहा। हो ठंड ना लगती गई है तुझे? अबे टाइगेरियन परिवार का गेम ऑफ थ्रोन हो रहा। ओए भाई मैं काम करके कपड़े उतार। अरे भाई कपड़े उतार, मजाक कर रहा था। कपड़े उतार, एक बाल्टी पानी गहरी इसके ऊपर। अरे मजाक कर रहा था। और इसे वहां खड़ा करियो सबसे पुरानी छत पे। ठंड लगती तुझे? हां लगती लगती है। अबे फूके हुए आशिको हैं, चल ना आ जा। ना भैया। अरे यार मुझे एक बात याद आई है, जो मेरे दादाजी थे महीने में एक बार शिकार पे जाते थे और सारे जानवर भाग जाते थे, सिर्फ बकरा बकरी बचते थे, उनको उठा के ले आते थे, फिर हम आराम से बैठ के खाते थे सब। बस इतनी सी कहानी, अब मेरी कहानी सुनो। मेरे जो नाना थे ना 3 महीने में एक बार जाते थे जंगल, मछलियां गायब समुद्र में से, सारे जानवर गायब, मुर्गे बचते थे, मुर्गे लाके खा पी के सो जाते थे आराम से। तेरे तो नाना
और तेरे दादा बहुत बड़े शिकारी कहिए थे। तो तुम्हारे खानदान के तो मर्द शिकार खेलते थे, मेरे खानदान की तो औरतें शिकार खेलती थी, वो भी रोज। मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी बहनें रोज शिकार खेलती थी। अरे भाई मारती क्या थी वो, ये तो बताओ भाई, जल्दी बताओ यार, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, जल्दी। जू बहुत बड़े शिकारी हो यार, और तो बना के खाते होंगे रोज। अच्छा नहीं, हम बांट दिया करते थे, बहुत बड़ा दिल हमारा, हम बांट देते थे, पूरे गाँव में बंटवा दिया। यार वहीं तुझसे यार कुछ बात करनी थी। बता यार। यार जिंदगी से तंग आ गया यार मैं। क्यों? तो यार बस मैं जी तो कर रहा, ले मुझे उठा ले। तो यार मर जाऊं मैं बस। बस यार तीन गिनती मेरी मौत आ जा। एक, दो। आमीन। मर जा यार। मैं खड़ा हूं 40 में की यार बिरयानी तो खा लूंगा। अब कैसे दोस्तों लोग ना कर ला। अब हटा सारे दिल तेरी 40 में की बिरयानी खा लूंगा। ओ साले। ओए कुछ नहीं भाई, अपनी माँ की कहानी में डूबा हुआ था मैं। तेरी माँ की कौन सी कहानी आ गई? भाई मैं अपनी इस कहानियों में खोया हुआ था, अपनी माँ से पूछता हूँ। माँ मैं तुम्हारे बिगैर पूछे कहीं बाहर जा सकता हूँ? अच्छा फिर तुम्हारी मम्मी क्या बोलती है भाई? भाई फिर मुझे जवाब मिलता है इतनी ज्यादा तो मैंने तेरे पापा को भी नहीं दी, तू कहाँ से आया है? यार सही कहती है तेरी मम्मी, मेरे घर की भी यही कहानी है। अबे छोड़, वो फेम क्या बिल्ली देखी थी कल? वो जो बिल्ली देखी थी यार। अबे रियान भाई वो बिल्ली थी भाई, मेरे बिल्ली ना, जो हमारी छत पे रोवे वो तो बिल्ली थोड़ी है ना, सुअर रोवे वो। रियान भाई यार कह तो सही रहे हो यार, कैसी बातें करते हैं हम भी। अरे कैसे झाड़ू लगा रही है, पानी डाल सकती यहाँ पे? तुम्हारे लिए तो काम कर रही हूँ, इतनी ठंड हो रही है, पानी मैं तो डाल ली। ठंड लग रही है, टट्टी भी मत कर कर, काहे को करा टट्टी फिर? मैं तो वो भी ना करूं, लेकिन मेरा मन ना करे, वो तो मजबूरी की चीज है, करनी पड़े। तेरे लिए टट्टी भी वाटर प्रूफ बनवाया अब। ए बनवा दो बनवा दो, वाटर प्रूफ टट्टी भी बनवा दो बनवा दो, ए बनवा दो ना बनवा दो। मुझे पीने का शौक नहीं, बस की मगा ठंडा पानी मारू, पीता हूँ रम बुला। अरे मिस्त्री साहब ये दीवार चिन दोगे क्या? हाँ भाई साहब, चिनने के लिए ही तो बैठे हैं हम यहाँ पे। आओ तो आओ, तुम इतने चिनो, मैं नीचे से वक्त आता हूँ। मेरी कसम से सही चिनी जा रही ये दीवार। अरे मिस्त्री साहब यू क्या कर रहे हो? रोक दिया गम में। मेरे बेटे तूने ही तो कही थी दीवाल चिन्नी थी, दीवाल चिन्ना हूँ मैं। तो पागल वागल है क्या? ए साले इससे बड़ा शराब का दीवाना ना देखा मैंने। भाड़ू रियान भाई यार नहाने का तो जीना कर रहा है, घर में तो ठंडा पानी आ रहा है, कोई गर्म पानी की जगह बताओ। हमारी समस्या समझ नहीं पड़ेगी, आओ चलो एक तालाब में लेकर चलता हूँ हरे भरे। बिस्मिल्लाह करके डुबकी मार दो। रियान भाई यार ये वाला नाला थोड़ी बोला था। हाँ और तेली गीजर लगवा तू। जाओ यार तुम यार पागल आ गलो, दिमाग वैसे खराब कर दिया। मौजपुर गोंडा सिलमपुर जाफराबाद आजो आजो। अरे भाई साहब गोंडा जाओगे? भाई साहब जाने के लिए तो बैठे हैं, चलो बैठो गाड़ी में। भाई गोंडा चौक ही जाओगे ना? हाँ भाई साहब गोंडा चौक जाने के लिए तो बैठे हैं, बैठो जल्दी से। अरे भाई साहब मुझको ना जाना है, गोंडा चौक जा रहे हो तो वहाँ पे भंडारा हो रहा है, पिन्नी पकड़ो और जल्दी से भंडारा लेकर आओ। साले इसलिए बैठा हूँ मैं बड़ी गाड़ी लेके, तुम बोल रहे तो चला जा रहा हूँ, हटो जल्दी हटो। अरे भाई साहब कपड़े कैसे धो रहे हो, भाभी कहाँ है? अरे वो तुम्हारी। अच्छा 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 समझ गया, भाभी की तबीयत खराब होगी, इतने अच्छे हस्बैंड हो है, तो आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, भारत माता की जय करते हो तुम जैसे लोग। एकदम चुप, साली का हराम पच रहा है, ठंड हो रही है, यूं कह रही तू धो ले कपड़े, मैं ना धो रही, बहुत ठंड हो रही है। भाई साहब आप प्यार से ही बता देते, मेरी वाली है जो वो भी ऐसी करे। भाई साहब सही है, क्या ही करूं। भाई साहब दूध कैसा दिया है? भाई साहब बता दो यार कैसा दिया है दूध। अबे ओ तुझे सुना नहीं थी, बता ना दूध कैसे दिया है? मैंने दूध दिया, बकरी ने दूध दिया है, मेंटल यार कह तो सही रहे हो तुम। भाई बकरी ने दूध दिया, मैं जा रहा हूँ। मेरे से पगला करता है, मुझसे गले का पगला। चिताई चल रही है भाई, तूने मेरी कुत्ती चेप दी भाई, पट्टी करा दे। भाई साहब इधर आना, पट्टी करा लाओ हमारी। आड़ो सुअरों की तरह तुम लड़ रहे हो, और पट्टी कराने को हम याद आ रहे हैं, हमें बुलाया लड़ने के लिए।
भाई आओ भाई मौज पर चल लो यार आ जाओ भाई एक सवारी की जरूरत है जल्दी आ जाओ। एक बात बता यार नुम चलेगा? चल लूंगा चलो आओ तो आओ चलो। यहाँ कार को बैठ रहा है भाई आगे जाके लेट ना तू तो सही मिले जाएगा नया नजारा चल ना खराब करे। आओ यार भाई चलो यार घर में आओ खाना आना खिला तुम आओ। अरे नहीं नहीं भाई साहब यही ले आओ हम यही सही है। जी भाई साहब यही लेकर आता हूँ। लो भाई साहब आयान भाई। नहीं नहीं भाई साहब मजाक काई को कर रहे हो? मतलब मजाक करेंगे मेहमानों से। आयान भाई खाओ भाई। यार ये तो कुत्ते के आगे का है हमको काई को दे रहे हो? भाई बात ऐसी है कुत्ते तो खाते रहते हैं कुत्ते से बढ़कर आप हो आप खाओ। हमारे घर में ये सुअर के आगे का खिलाऊंगा तुझे चले जा। अबे देख यार कुत्ते को ढूंढने पे 10,000 रुपए मिल रहे हैं। आयान भाई इस कुत्ते को ढूंढ के ना 10,000 रुपए लूंगा कहीं अच्छी जगह पे चला जाऊंगा घूमने घर छोड़ के। बस साले यही गलती मत कर दियो इस कुत्ते के घर वाले तो ढूंढ भी रहे हैं तेरे घर वालों ने तेरी कुत्ते से भी बुरी हालत कर रखी है तेरे को तो कोई ढूंढेगा भी ना। भाई क्या तो सही रहो इस कुत्ते को ढूंढने पे 10,000 रुपए मिल रहे हैं हमें तो 10 लाख और मिलेगी। मैं तो जा रहा हूँ अपने घर पे। अरे अंकल जी अपनी दुकान का सबसे स्पाइसी ऑमलेट लगवाओ आज। स्पाइसी लोगे भाई साहब? 2 मिनट रुको बस बना रहा हूँ। इसे कहते हैं मिर्चों वाला ऑमलेट और वो भी फुल मिर्चों के साथ 440 वोल्ट का। आइएगा उसका झटका कैसे कौन खाता है जो अभी खाएगा और सुबह याद रखेगा। ले बेटा बाबूजी की स्पेशल मसाले वाली ऑमलेट। अच्छा अंकल जी ये तो पिछवाड़े में लाल बत्ती जलेगी रे बाप। अंकल टॉयलेट कहाँ है? बेटा बाबूजी के मसाले के साथ ना स्पेशल टॉयलेट भी है। ठीक है अंकल। अरे भाई साहब आइसक्रीम लाओ आइसक्रीम लाओ। भाई साहब खानी है लगानी है? अरे भाई साहब खानी ना है लगानी है। भाई साहब यार तुम तो बड़े झाई इंसान हो। मैं जा रहा हूँ दुकान बंद करके तो जल्दी करो। चल ठीक है। बे भैया ओए। हाँ बोल। बे भैया ले जा। ले जा। बे ले जा बात मान ले ले जा ले जा। भैया मुझसे ये पिनक तोड़ रहा है क्या? क्या ले जाऊं? अबे जा मैं तो तेरे भाई के लिए कह रहा था ले जा मत ले की जा। भाई साहब बताओ तो सही क्या लेके जाऊं? बे सुअर अपना कवर ले जा यहाँ से उठा कर दे। यू यू गिर गया बे साले पिनक। यू बता ना कवर ले जा नाड़ू। कौन था वैसे ये? हाँ सुफियान। हाँ बढ़िया भाई तुम बताओ। मैंने सुनिया यार तेरी बीबी तेरे को जोरू का गुलाम बना के रखती है। हाँ भाई यार क्या करें? अरे मेरी बीबी साले पैर दबावे मेरा आते ही यूं नचा रहा हूँ उसको अंगूठों पे उंगलियों पे नचावे लोग बाग मैं अंगूठों पे नचा रहा हूँ। हर काम नौकरी भी वही कर रहे हैं यहाँ तक की कद्दू मेरा कुछ ना करता हूँ मैं। पता नहीं भाई हमारी जिंदगी कब ऐसी होगी। हाँ जी सुनते हो? अभी कपड़े नहीं धोए तुमने बर्तन इतने सारे पड़े हैं अभी चप्पल भी सफा कर दूं मैं बाजार जा रही हूँ। दोस्त से बात कर रहा था कुत्ता इज्जत रख लेकर। अरे कुछ नहीं यार चल बाद में बात करता हूँ। तो हे गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं साबुन है 20 रुपए वाला और हम देखते हैं घिसने में कितना टाइम लगता है और ये लग चुका है टाइमर और ये देखिए। आज इनकी वीडियो बनवाऊंगी पूरा साबुन आराम के पैसे आ रहे होंगे ना ज्यादा आराम से बैठे बैठे खा में और सारा पैसा मैं कमा के लाऊं। आज सुअर ही बनाऊ इनका। अरे रुक रहे नहीं है हटियो। अरे सुअर हो और ज्यादा आराम का पैसा आ रहा है आराम से बैठे बैठे खाता रहे मैं कमा के लाऊं हर जगह से। नहीं कहां से बननी वीडियो? सॉरी गाइस मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। मेरी बीबी आके कैमरा बंद कर ले।